गाइस, मैं मानता हूँ कि जब इस टाइप की डॉग स्पीड को गलत तरीके से ट्रेंड किया जाए तो काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जब पावर और अग्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो काफी डेंजरस हो सकता है। लेकिन ऐसी भी डॉग स्पीड नहीं है कि बेवजह कभी किसी के ऊपर अटैक कर दे। जी हां गाइस, हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग स्पीड के बारे में, जिसका नाम है डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों, डोगो अर्जेंटिनो को इतना पसंद किया जाता है कि अगर इनका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए ना, जर्मन शेफर्ड या रॉटवाइलर जितना, तो हर घर में आप लोगों को डोगो अर्जेंटिनो ही दिखे, क्योंकि भाई इनका बॉडी स्ट्रक्चर इतना तगड़ा होता है और दिखने में काफी मस्कुलर भी होता है। तो अगर आप लोगों का शौक तो है डोगो अर्जेंटिनो परचेज करने का, बट आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं और आप लोग इन्हें घर ले जाकर सिर्फ बांध कर छोड़ना चाहते हैं, तो फिर डोगो अर्जेंटिनो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई इनकी नीड्स को आप लोगों को पूरा करना होगा, इन्हें सोशलाइज और ट्रेन करना होगा, क्योंकि इतनी खतरनाक डॉग ब्रीड अगर किसी के ऊपर अटैक कर दे तो उस चीज का ये काफी कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो बाइट प्रेशर होता है वो 500 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल ओनर के पास आप लोगों को मेल पपीज और फीमेल पपीज दोनों ही मिल जाएंगे, आप लोग जिसे चाहे उसे परचेज कर सकते हैं। और गाइस, डोगो अर्जेंटिनो की अच्छी बात यह है कि व्हाइट कलर में होने के साथ साथ इनका जो कोट होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल शॉर्ट होता है, तो इनके कोट को मेंटेन रखने के लिए कोई टेंशन नहीं होती। बाकी कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए डोगो अर्जेंटिनो नहीं होते, अगर आप लोगों को डॉग्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो ही आप लोग इसे परचेज करें। और सिक्योरिटी के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड है, चाहे आप लोग इन्हें घर में रखो या अपने बड़े से फार्म हाउस में, दोनों ही जगह पर ये परफेक्ट रहते हैं। बाकी का क्वालिटी पपीज की काफी अच्छी है, और बाकी की चीजें आप लोगों को इनके पेरेंट्स को देखने के बाद पता लग जाएगी। एंड गाइस, आजकल डॉग्स का जो प्राइस है वो थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है, तो अगर आप लोगों को सस्ते में डॉग्स मिल रहे हैं तो आप लोगों को ऐसे मौके नहीं छोड़ने चाहिए। और यहाँ पर भी आप लोगों को ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, उन्होंने एक डिसेंट से प्राइस की डिमांड की है, आप लोगों को ज्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। बाकी प्राइसिंग के बारे में बात करने से पहले इनके पेरेंट्स से मिलवा देता हूं। तो ये देखिएगा, इसे जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज की मदर, जो की एक्सीलेंट क्वालिटी में, काफी हेल्दी और काफी लार्ज साइज की है, और भाई फादर भी बहुत ही शानदार क्वालिटी का है। बाकी इनके बारे में आप लोगों को कुछ भी पूछना तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके हर एक चीज अच्छे से क्लियर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइस, पपीज जो है आज से एग्जैक्ट 35 डेज के हो चुके हैं और पपीज होम ब्रीडिंग के हैं, तो परचेज करते टाइम आप लोग मदर को भी लाइव देख सकते हो। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है गुरुग्राम, हरियाणा से। एंड गाइस, आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया में घर बैठे बैठे इन पपीज को ऑर्डर कर सकते हो, बिकॉज ओनर जो है वो आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। बट मैं प्रेफर करूंगा कि जितना हो सके आप लोग डिलीवरी को अवॉइड करें और डायरेक्ट ओनर को विजिट करके परचेज करें, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर तरीका रहेगा। क्योंकि डिलीवरी का ऑप्शन आप लोगों को तब चूज करना चाहिए जब बिल्कुल आप लोगों के लिए पॉसिबल ही ना हो डायरेक्ट ओनर को विजिट करना। एंड फाइनली, अगर पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में है, तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 17,000 रुपीज, 17,000 रुपए, एंड ये प्राइस नेगोशिएबल है, तो परचेज करते टाइम आप लोग बार्गेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। बाकी आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।